Hey family, good morning and welcome back to our blog channel, Mr. and Mrs. Prashun. तो दोस्तों तबीयत तो मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट अभी देख सकते हैं तितली का एक आँख सूज गया है और इसे हो गया इन्फेक्शन। तो अभी हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास, क्या ही बताएगा। मतलब ऐसा हुआ है ना, एक तो फर्स्ट टाइम तितली का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे और दिन सही नहीं जा रहा है। मतलब पहले मेरी तबीयत पहले निशा की सबसे पहले तबीयत ख़राब हुई, फिर बाबू की तबीयत ख़राब हुई, फिर मेरी तबीयत खराब है, तीनों बीमार पड़े हैं और बेटियाँ मेरी एकदम, इसका मैं क्या बताऊँ गाइस। कल से इसका आईज तो बहुत ज़्यादा फुला हुआ था, बट अभी डॉक्टर के पास जाना है। इसका मेडिसिन भी ख़त्म हो गया है जो बुखार और खांसी वाला था, लेकिन अभी तक आराम नहीं है ना बेटियों। बेटा के लिए आप हमारे प्रे कीजिए, जल्दी से बेटियों हमारी ठीक हो जाए, क्योंकि कल तो बर्थडे है हमारी बिटिया रानी की, है ना बेटियों। जरा गाना सुना दो। तो तितली का कल बर्थडे है और उसकी सारी प्रिपरेशन चल रही है। मतलब मेरा कफ से इतना छाती भर गया है ना गाइस कि मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। और ये भी बेचारी, इसका तबीयत थोड़ा बहुत सही हुआ तो इस पे ज़्यादा ही लोड हो गया, क्योंकि मैं दो दिन कम्प्लीटली बेड रेस्ट में ही रहा हूँ। और क्या हुआ बेटा, देखिए अभी कितना खास रही है बेटी मेरी। हाँ मेरा बेटा, चलो डॉक्टर के पास चलेंगे अभी, ठीक है। जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि गाइस अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और डॉक्टर हमारा 9 बजे से बैठता है, तो थोड़ा सा जल्दी जाएंगे, जल्दी दिखा के भी आएंगे, क्योंकि अभी सारा काम इनकम्प्लीट ही है। हालांकि जो टेंट वगैरह था ये सब कुछ का तो मैंने कल फाइनल कर लिया था, बट अभी पटना भी निकलना है क्योंकि कुछ करना है शॉपिंग, मतलब तितली के भी लेना है, कुछ डेकोरेशन का भी कुछ कुछ चीज़ लेना है, तो उसके लिए जाना होगा हम लोग को। अरे बेटा, और आज बहुत लोग आने भी वाले हैं घर पर, तो आपको बताएंगे कौन कौन आ रहा है। बाकी सबसे पहले चलेंगे किचन में, थोड़ा चाय पी लेते हैं। सुबह सुबह गाइस नहीं चाय पीते हैं तो, मतलब मैं रात रात भर ना गाइस उठ के सोता रहा। चल बेटा, मम्मा क्या कर रही, मम्मा क्या कर रही भाई साहब, जरा चाय बना दो जी। चाय हम लोग चाय पियेंगे, है ना बच्चों। यहाँ का लाइट भी खराब हो गया, और मतलब लाइट भी अभी सही नहीं है, बट अभी फोन करता हूँ मैं लाइट वाले को। पापा को तो पकड़ो, जरा उसको फोन कर लूँ, याद आ गया, मैं उसको भी फोन कर लूँ। तो गाइज अभी आप लोग बने रहेंगे और खूब सारा प्यार सपोर्ट कीजिएगा, ब्लेसिंग दीजिए हमें कि तीनों जल्दी से ठीक हो जाए। मैं ठीक ना भी रहूँ बेटा, या मेरी बर्थडे गर्ल जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है ना गाइज, तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं थोड़ा टेंशन में आ जाता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा भी नहीं लगता है, और वो ठीक रहती है तो सब कुछ अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है हम लोग को। बट अभी चलते, सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करना है क्योंकि कुछ लाइट वगैरह कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, और वो दो दिन से मुझे बोल रही है, बट मेरी इतनी तबीयत ख़राब है ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं उठ नहीं पा रहा था बेड से। बाबू को रुको, मैं इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन कर लूँ पहले। तो गाइज अभी काम वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिशियन ने बोला है कि 12 बजे वो आएगा। बाकी अब मुझे लगता है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं हम लोग, और भाई को बोला हूँ कि वो चला जाए पटना, क्योंकि जो काम था वो कर लेगा, देखते क्या होता है, कहीं मुझे भी जाना पड़े क्योंकि आज बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, तो उन्हें भी रिसीव करना है। आ जाओ, इन्हें भी ब्लॉग में आना है, बिना इनके तो ब्लॉग ही कैसे बना सकता हूँ मैं, है ना। आना है ब्लॉग में, क्या मिलता है बेटा देख के इसमें। मैं जैसे ही ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ इसको बस गोदिया में आके ब्लॉग देखना है, है ना बेटू। आ मारो रे, अरे चोट लग रहा अभी यार। नहीं बेटा गाइस, पतला है एकदम, प्लास्टिक से चोट लग रहा, खिलौना तोड़ दिए अपना, दादू इसके खरीदे थे। बाकी निशा भी नहा वहा ली है और बस अब वो रेडी होगी कुछ देर में, हम लोग 9 बजे से निकलेंगे। बाकी माता श्री को देखिए, हमारे माता श्री गई थी अपना फूल वगैरह लाने के लिए, फूल वगैरह लेकर आए यार। चलिए हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, को डॉक्टर के पास दिखाना जरूरी है, उसके भी इन्फेक्शन हुआ है आँख का और खांसी वाला सब दवा भी खत्म हो गया है। और ये देखिए अब ये फिर से क्या कर रही हो, जल्दी चलो भाई। गाइस तितली की मम्मा आ गई है नहा के मस्त, और अभी हम लोग जाएंगे बेटू को लेके, है ना बेटू। बेटू हमारा जल्दी से ठीक हो जाएगा, डॉक्टर अंकल दवा देंगे, है ना बेटू। और क्या तितली के जो डॉक्टर है ना बहुत अच्छे हैं, तो चलिए जी चलिए, लेट मत कीजिए आप, जल्दी से चलिए। ये भी जल्दी जल्दी में भाई मेरा कार लेके नीचे खड़ा है, तो चलिए आप लोग बने गाइस। हमारी तितली का भी हो गया ड्रेस चेंज, चलो जल्दी से चलो डॉक्टर के पास बेटू।
तितली के चाचू अभी उठे हुए हैं, देखिए मुंह छुपा रहे हैं। काहे भाई काहे मुंह छुपा रहे हैं आप बताइए गौर से। ये अभी उठे इसीलिए, देखिएगा कितना बज रहा है, 9:20 होगा, 9 बजे जाना था, 9:20 पर उठा ये लड़का। गैर जिम्मेवार है ये लड़का। नहीं गाइस कल गया था मेला घूमने के लिए, है ना भाई, लेट से आया है मेला से। अरे तितली और चाचू का तो ड्रेस मैच कर रहा है, ये लो। चलो चलो मत लगाओ, सब आँख वख में लगेगा, क्रीम मत लगाओ कोई भी। और ये भी जाने वाले हैं पटना, आज कब जाना है पटना से भाई? मैंने फिर भी, अरे भाई साहब आ चुके हैं कार लेके। भाई साहब खोलिए गेट, आगे बैठाइए सेलिब्रिटी लोगों को। तितली चाचू के साथ बैठ गई बेटू मेरा, वाह 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 वाह। नहीं आएगी वो तो, उसको लाते हैं। चलिए गाइस मैं पीछे बैठ जाता हूँ, तो मैं भी बैठ गया अंदर और तितली को उधर बैठा दिया आगे, क्योंकि वो थोड़ा आसमान देखती है जब भी वो गाड़ी में ट्रेवल करती है, तो इसीलिए मैंने उसको बोला कि चलो आगे बैठा दो। बाकी अब हम लोग निकल रहे हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। हालांकि इन्फेक्शन है ये, मुझे एक जो मेरे एक डॉक्टर है फ्रेंड है तो उसने बताया, कोई कांटेक्ट किया और वो डॉक्टर रात में बैठते नहीं, हम लोग सोचे थे कि रात में जाने के लिए, बट मैंने कॉल किया तो वो थे नहीं, बट अभी सुबह में है तो चलिए जैसा होता है आपको बताते हैं, आप लोग बने रहेंगे ब्लॉग में। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं मढ़ौरा। अब ये कह रही है कि सुनिए ना डॉक्टर साहब को भी इन्वाइट कर दीजिए, तो क्योंकि खाली हाथ इन्विटेशन देना अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग बैठो, मिठाई लेकर आते हैं, ठीक है? क्या है क्या है बेटू, चलेगी क्या? आता हूँ आता हूँ, रुक जा। तो मैं आ गया हूँ स्टोर के अंदर, मैंने 2 सोन पापड़ी का डब्बा ले लिया और सोचा कि तो गाइस फाइनली मिठाई तो ले लिया और अब चलते हैं डॉक्टर साहब के पास, तो उन्हें भी इनवाइट कर देंगे। और एक निशा की बुआ रहती है यहीं पर मढ़ौरा में, सोच रहा हूँ उन्हें भी इनवाइट कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले। ओह माय गॉड, क्या बैग नहीं ऐसे ही दे दोगे? पैकेट में ही तो पैक है ये। अरे यार ये पकड़ो भाई, बिल पकड़ो, पैकेट क्यों मांगूंगा ऐसे ही, इतना अच्छा है, अलग से नहीं देगा पैकेट। अरे यार पागल हो क्या, पैकेट नहीं देगा? चलो पैक तो है ही, ऐसे चलो। हाँ पास अपना मस्ती कर रही, क्या हो गया बेटू, क्या बोलो क्या कह रही थी? बोले कि ले बेटा ले, चलो दो इधर, चलो डॉक्टर अंकल को देंगे हम लोग। चलो 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 जल्दी चलो, लेट हो जाएगा नहीं तो। भाई सब रखिए आपके पास ही, दो चलो अंकल। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग, आ जाइए आ जाइए। चलो मैं क्या क्या पकड़ू भाई, गेट बंद करूंगा, तितली को पकड़ूंगा। चलो बेटा आ जाओ। तो गाइस पहुंच गए, लेकिन डॉक्टर के पास तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है भाई साहब, देख के पता चल रहा है। बस गांव में यही होता है गाइस, एक दो डॉक्टर होते हैं और वहां पर भी इतना भीड़ होता है कि क्या ही बताएं। बट अभी आ गए हैं और सर से मिलेंगे, आ जाओ। तो अभी चलते हैं, आप लोग बोलते तितली का हो रहा है वेट हमारे, तितली चाचू इसका वेट करा रहे हैं। यहाँ पे तितली को थर्मामीटर लगाया गया है, वो पूरा एकदम जोर जोर चिल्ला रही है, उसको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है। बेटू जोर जोर से लगी है रोने, तो इधर उसको बाहर घुमाया जा रहा है और तुरंत हमारा नंबर आएगा। ओ देखो गाड़ी जा रही है, गाड़ी बेटू ट्रैक्टर, तितली ट्रैक्टर कैसे बोलते हैं कोको मेलन में? व्हाट डू यू सी? अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर। तो गाइस डॉक्टर से दिखा लिए और अब निकल रहे घर की तरफ। भाई साहब इतना दवाई देता है डॉक्टर ने, यार क्या ही बताओ, 5 सिरप दिया हुआ है, अब सोच लीजिए बाबू को खांसी जुकाम क्या क्या चीज का कि दिमाग खराब हो गया। बाकी चाचू इसके हाथ ही रजा चलाया है और मस्त तितली फिर से आसमान देखते हुए घर की तरफ निकल रहे हैं हम लोग। तो चलिए आप लोग बने रहेंगे, बीच रास्ते में ही अंकल का घर था तो हम लोग आ गए हैं। गेट खोला गेट, और अभी हम लोग चलेंगे। चलो 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 कार में, इसको रहना कार में, कार के लिए रो रही है भाई, बताओ ये। तो
क्या होगा इसका। कार में हाथी राजा सुन रही थी, देखो तो कितना सारा बकरी है, गाय ऐसी है, बकरी है, बोका है, बाप रे भागो मांगेगा। चलो चलो चलो। तो ये गाइज हम लोग का नया घर है, बहुत खूबसूरत है। अभी हम लोग जा रहे हैं आंटी जी को इनवाइट करने के लिए, हमारी आंटी रहती है यहीं पे, है ना जी। अंकल इधर है जी, अंकल ये है बेटू। तो गाइस अभी घर पे पहुंच गए और अंकल के घर पे थे। अंकल आंटी को भी इनवाइट कर दिए क्या? अब सारा कुछ कंप्लीट हो गया सारा काम। तितली हमारी बेचारी अभी एकदम रो रही है, इसको अच्छा नहीं लग रहा गाइस। तबीयत खराब होता है तो ऐसा ही, तबीयत खराब होता है तो गाइस ऐसा ही होता है, क्या ही बताओ। बट चलिए कोई नहीं, अभी घर पे पहुंच गए हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं और आपसे मिलते हैं अगले फ्रेश ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, खूब सारा प्यार सपोर्ट करते रहिएगा।